तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने अपनी छत पे जो पौधों की इस सीज़न में जो पुरानी डेड शाखें थी वो गिरी थी और पत्ते गिरे थे, उनको यूज़ करके हमने किस तरह अपने घर में अपनी एक छोटी सी क्यारी के लिए मिट्टी तैयार की है। तो हमने पुराने पत्ते और जो मिट्टी वगैरह इस सीज़न में पूरे एक साल हमारी छत पे इकट्ठी हो गई थी, उसे हमने समेटा और उसको बेस में डाला और ऊपर हमने कुछ ज़्यादा मिट्टी डाल दी। तो अब होगा क्या, जो हमारे जो डेड लीव्स वगैरह हैं वो डिकम्पोज होंगे और वो ह्यूमस बनेंगे, जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो उसके साथ साथ हमने जो यहाँ मिट्टी यूज़ की है वो कोई ख़ास मिट्टी नहीं है, सिंपल मिट्टी है जो हमारे गार्डन से निकलती है। जैसे कि आपने देखा, मैंने गमलों से निकाली थी। तो अब हम इसको तकरीबन 2 महीने या 3 महीने के लिए इसी तरह छोड़ देंगे और ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिकम्पोजिंग, जिसमें लोहे की जाली भी थी अंदर आपने देखी और उसके साथ कपड़े के जो पीसीस थे वो भी थे, तो ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ इसी में डिकम्पोज हो जाएंगी। तो इसमें मैंने फिर अंडे के छिलके भी डाले। बेहतर है आप जो हैं वो यूज़ करें पाउडर, मगर हमने अंडे के डायरेक्ट छिलके जो क्रश किए हैं वही यूज़ कर लिए हैं। तो देखेंगे 3 महीने बाद इस मिट्टी में हम क्या सीडलिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी सब आज तकरीबन 22 जुलाई हो गई है, तो नवंबर तक हम इसमें अपने पौधे लगा देंगे या फिर सितंबर के आखिर में, जो कि मैं टमाटो के पौधे लगाऊंगा इसमें। तो एग शेल बेहतर है आप जो हैं पाउडर बना के यूज़ करें मिंट से, जिस तरह ये ड्राइड एग शेल थे, आप उसे ड्राई करके उसे ग्राइंड कर लें और फिर अपनी मिट्टी में डालें, तो वो इजी टू अब्जॉर्ब होते हैं। मगर जिस तरह अभी हमने यूज़ किया है, तकरीबन 6 महीने लग जाएंगे पौधों को इसको यूज़ करते करते। तो ये थी हमने किस तरह घर में अपनी मिट्टी तैयार करनी है, जो कि 100% ऑर्गेनिक है और रिच ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं फॉर प्लांट ग्रोथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आइडिया पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें वीडियो को, और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी ह्यूगो कल्चर के ऊपर, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह हमने बनानी है। तो अब मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।